जीरो टॉलरेंस लॉ एंड ऑर्डर पर, फिर महिलाओं के ऊपर सबसे ज्यादा अपराध क्यों, सबसे ज्यादा घटनाएं उनके ऊपर क्यों, देश में सबसे ऊपर उत्तर प्रदेश क्यों? योगी आप कहते हैं कि महिलाओं बहन बेटियों के साथ उनके राज में छेड़खानी रेप नहीं होता, दुष्कर्मी अगले चौराहे पर मार गिराए जाते हैं। बीएचयू में एक बहन के साथ क्या हुआ, कोई आज के समय पे कल्पना नहीं कर सकता। एक बेटी और बहन के साथ क्या हुआ, जो लोग पकड़े गए हैं वो तीनों के तीनों भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के मेंबर हैं। वो और अध्यक्ष महोदय, कोई आसानी से मुख्यमंत्री जी के साथ फोटो नहीं खिंचवा सकता। तीनों की फोटो हमारे नेता सदन के साथ, प्रशासन सरकार को पता था लेकिन क्या किया सरकार ने। और मुझे याद है जब खानपुर में एक मां बेटी के ऊपर बुलडोजर चलाया गया था और आग लग करके मां बेटी जिंदा जल गए थे, पिता और उसका भाई देख रहा था, बचा नहीं पाया। जब वो न्याय मांगने गया तो उसके कपड़े उतार दिए गए, वहां के अधिकारियों ने कपड़े उतरवाए। ये जीरो टॉलरेंस है सरकार का। और उस समय डिप्टी सीएम क्या कहते हैं, उन्होंने जो ऑनलाइन बात की उससे, शिवम ये घटना बहुत ही दुखी करने वाली है, बहुत ही ज्यादा दुख है, हमें पूरी तरह से तुम्हारे साथ हैं, जब से हमने सुना है कार्रवाई कर रहे हैं, जो आरोपी हैं उन पर एफआईआर दर्ज हो गई 302 की है, हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे, किसी को नहीं बख्शेंगे, तुम हमारे परिवार के सदस्य हो, हम तुम्हारे साथ हैं, पूरी सरकार तुम्हारे साथ है, जो तुम्हारी मांगे हैं उन पर गंभीरता पूर्वक काम करेंगे। अध्यक्ष महोदय जो मांगे उस परिवार ने मांग की थी, क्या सरकार ने पूरी कर दी? क्या आरोपियों पे सख्त से सख्त कार्रवाई हो गई? क्या आरोपियों पे सख्त कार्रवाई हुई है क्या, जो जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं? उनके समय पर जीरो लॉ एंड ऑर्डर है, जीरो लॉ एंड ऑर्डर। और एक घटना नहीं, घटनाएं कितनी गिनाई जा सकती हैं। 6 से तंग आकर 30 छात्राओं ने छोड़ दिया स्कूल, गैंगरेप पीड़िता के बरेली में हत्या, बदायूं में कार्रवाई न होने से हाथ दुष्कर्म पीड़िता ने खुदकुशी की। मैं कितनी घटनाएं बताऊं, खेत गई किशोरी के हाथ बांधकर किया दुष्कर्म, स्कूल में नाबालिग से किया गैंगरेप, नौकरी की तलाश में प्रतापगढ़ पहुंची युवती के साथ गैंगरेप, प्रिंसिपल की अश्लील हरकतें सामने आई तो स्कूल से कटवा लिया नाम, दुष्कर्म पीड़िता ने दी जान, तीसरे दिन शव साथ लेकर थाना घेरने गई, सामूहिक दुष्कर्म पीड़ित महिला की हत्या, युवती को अगवा कर दुष्कर्म किया, छात्रा को बंधक बनाए तमंचे से बल पर रेप, महिला कांस्टेबल से दरोगा ने किया दुष्कर्म। कितनी घटनाएं मैं बताऊं आपको, न जाने कितनी घटनाएं। और ये सरकार कह रही है कि जीरो टॉलरेंस है, ये सरकार न्यूज कंट्रोल कर रही है, ये सरकार न्यूज कंट्रोल करती है, अपराध कंट्रोल नहीं कर रही है सरकार। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।